दोस्तों स्पीडवे मैच कवर करने वाले केन्या T20 का जो कि मैच खेला जाएगा अब थोड़ा सा सही मैच है क्योंकि केन्या वर्सेस मालवी के बीच ये मैच है। और अब देखोगे तो मालवी के मैंने काफ़ी कम मैचेस कवर किए हैं लेकिन मैंने डेफिनेटली जितने मैचेस खेले गए अभी तक उसमें से मैक्सिमम मैचेस मैंने कवर किए, जितने भी टीम मैंने ऐड किया उसमें से। केन्या के तो बात ही खत्म करो क्योंकि केन्या के तो बहुत सारे मैंने कवर किए। सबसे पहला काम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैचेस शायद ही कोई बंदा हो जो कि इस मैच को कवर करेगा, लेकिन आपको पता है अगर आप लोग हमसे जुड़े हो तो हम लोग हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं। तो आप लोग फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले शेयर कर देते। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे लाइफ में कभी भी आपको दूसरा चैनल को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, इसकी 100% की गारंटी है क्योंकि हर एक मैच हम लोग कवर करती है, इधर तो जानी जूती नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल जूर से ज्वाइन कर लेना फाइनल टीम के लिए और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जूर से। अब सीधा कमेंट बॉक्स जाना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाना, लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। एंड बात करते हैं, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करूँगा भाई। अगर आप देखोगे लास्ट मैच कौन सा मैच होगा, ये थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। कल तो थर्ड मैच तो मैंने कवर किया था, ये फिफ्थ मैच होना चाहिए। हाँ डेली दो मैचेस होते हैं ना। तो ये देखो केन्या जो कि अपना लास्ट मैच खेल के आ रहे हैं रवांडा के साथ और मालवी जो कि जाम्बिया के साथ खेल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगा केन्या की जो कि फेवरेट टीम रहेगी, ऑब्वियस बात है अच्छी तगड़ी टीम है, उस देख लेते हैं क्योंकि केन्या के पास कुछ ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं ना। तो केन्या की टीम दस ओपन करें तंजील शेख जो कि इस बार बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस है, देखो ना ऐसा बैटिंग होगा। तंजील शेख जो कि ओपनिंग करने आ रहे हैं, नील मोवेगेट के साथ ओपनिंग कर रहे टीम से, मोगवेट जो कि ओपनिंग करेंगे, सचिन बोडिया जो कि वन डाउन बैटिंग कैसे टीम तरह से, उसके अलावा नेल्सन जो ओडिम्बो जो कि हर को जाते काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर फोर ना बैटिंग तो करने आ रहा है लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर टीम से। सुखदीप सिंह ये भी एक पुराने प्लेयर है, काफ़ी अच्छे विकेट कीपिंग करते और साथ ही टीम से हिटिंग भी अच्छे करते। देखो तो बैटिंग ऑर्डर ठीक ही है, थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन ठीक बैटिंग ऑर्डर है, देख लो एक बार। बॉलिंग से बात करें तो नीवो से स्टार्ट करते टीम का, सब देखोगे इनके पावर प्ले में पीटर लैंगेट जो कि पावर प्ले बॉलिंग के ठीक ठाक बॉलिंग के एक विकेट लेके गए, उसके अलावा लुकास जो कि हर को जानते हैं बहुत बड़ा बॉलर है केन्या का, सैम नोगेचे जो कि हर को जानते हैं काफ़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है सैम नोगेचे हर मुझे विकेट लेता है, विराज पटेल जो कि काफ़ी कम मैचेस खेलते लेकिन जब खेलते तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते और सब लास्ट मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग भी की है, सबसे अच्छी बॉलिंग इन्हीं का था। उसके अलावा नील जो कि टीम से दो ओवर बॉलिंग किए और जसराज जो कि दो ओवर बॉलिंग, दोनों को अच्छे ओवर को शेयर कर दिया गया। तो देख लो इनका ये रहा बॉलिंग लाइनअप्स और बैटिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके का इनका है, ठीक है। ये सब बॉलिंग नहीं किए ना आर पटेल वगैरह सब, यही दिक्कत है, ठीक है। एंड बात करते हैं मालवी का, देखोगे तो मालवी की टीम तरफ से ओपनिंग करते टीम की तरफ से डोनेक्स जो कि हर को जानते हैं कैप्टनसी करते, कभी कल एक दो ओवर बॉलिंग भी कर लेते, ओपन करेंगे टीम तरफ से गिफ्ट कोनेसो के साथ ओपनिंग करेंगे, समीर सोहेल जो कि वरना बैटिंग करेंगे, अफ्ताब जो कि टीम से फोर्थ बैटिंग करेंगे टीम तरफ से, उसके अलावा देखोगे जयशम जो कि अवेलेबल टीम से फोर्थ फिना बैटिंग करेंगे टीम तरफ से फोर्थ पे, अच्छे प्लेयर टीम फिना बैटिंग करके आपको दे ही देंगे। उसके अलावा टीम विकेट कीपिंग करेंगे फिलिप जॉर्ज जो कि टीम तरफ से, फिलिप जॉर्ज जो कि टीम तरफ से विकेट कीपिंग करेंगे टीम, ठीक है इनका बैटिंग ऑर्डर भी। पावर प्ले की बात करें तो नीवो से स्टार्ट करते हैं टीम तरफ से, इस बार डोनेक्स बॉलिंग नहीं किया जबकि एक दो ओवर बॉलिंग कर लेता था, डैनियल जैकिल जो कि टीम तरफ से दो ओवर बॉलिंग सॉरी चार ओवर बॉलिंग के दो विकेट चटकाए पावर प्ले में भी, उसके अलावा शोएल जो कि टीम तरफ से चार ओवर बॉलिंग के एक विकेट ले गए, ब्लेसिंग जो कि टीम से एक ओवर बॉलिंग के, उसके अलावा देखोगे मिकेल जो कि टीम तरफ से तीन ओवर बॉलिंग के, आफ्ताब जो कि टीम तरफ से बॉलिंग भी किए और प्लस टीम तरफ से टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी भी करने आई टीम तरफ से फोन पे, अच्छा टीम तरफ से मिनरल बल्लेबाजी भी किए और साथ ही साथ दो तीन ओवर बॉलिंग भी का मैच पूरा जाता था शायद पूरा ओवर बॉलिंग मिल जाता आराम से, ठीक है इनका बॉलिंग लाइनअप्स। बाकी जो अपडेट्स होंगे टेलीग्राम पर जो उसे शेयर कर दो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने गया आपको कंफर्म बैटिंग ऑर्डर पिच और टॉस अपडेट सब कुछ आपको टेलीग्राम पर फ्री में ही मिल जाता है बिना किसी टेंशन के, तो ज्वाइन कर लेना। एंड बात करते प्ले बाय साइन से, इस बात करके क्रिकेट कीपर शेंगे उससे पहले उस वीडियो को जूस लाइक इस मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब स्टडीज आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले तो चैनल सब्सक्राइब जूस करें और वीडियो को जूस लाइक कर देना। बात करें क्रिकेट कीपर सेशन देखोगे तो मैं बहुत लॉजिकली टीम क्रिएट करना चाहूँगा कोई फालतू टाइम पास वगैरह, ठीक है। तो आप देखोगे विकेट कीपर सेशन तो ऑब्वियस बात है सुखदीप सिंह एक बड़ा प्लेयर है लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग है तो इनको पिक करना, अदरवाइज आपके लिए पी जॉर्जिया एक अच्छी ऑप्शन है टीम से, तो आप जॉर्जिया के साथ जाइएगा। अगर टीम पहले बैट तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो टीम पहले बैटिंग उसका विकेट कीपर ले लेना क्योंकि तो उतना रन बनेंगे नहीं कि सुखदीप सिंह को मौका मिलेगा खेलने के लिए,
अगर टीम चेस करेगी तो। बट क्या है कि विकेट कीपिंग भी करेंगे तो थोड़ा सा एडवांटेज, हालांकि ये भी एक अच्छा प्लेयर ही है, कोई आपको लग रहा हो खराब प्लेयर, अगर टीम मालवीय का पहले बैटिंग करे तो आप इनके साथ ही जाइएगा, क्योंकि ये पहली बार तो इनकी बैटिंग भी आ जाएगी और ठीक है प्ले टीम से। अभी सुखदीप को इसलिए पिक किया हो, मान के चलते खेलना पहले बैटिंग करें। उसके अलावा ओडिंबो ऐसे है तो तगड़ा प्लेयर, कुछ कहने की बात ही नहीं है, अगर टीम पहले बैटिंग है तो शायद जबरदस्त पिक हो सकते हैं, फोन बैटिंग को नीचे नहीं है तो आप ग्रेलिंग ट्राई कर चल सकते हो। और गिफ्ट वगैरह है यहाँ पे, सभी सब ठीक प्लेयर्स हैं। नीचे देख लेते उस वर्धन पटेल होगा ये ना, है ना, बहुत दिन से नहीं खेल रहा, बहुत साल से लास्ट टाइम आई थी युवांडा से उसी, तो वही खेल रखा है 2022 में मुझे जहाँ तक याद है, अच्छा प्लेयर है उसे तो। मैं परफेक्ट करूँगा गिफ्ट को पिक कर ले कि मैं पर्सनल परफेक्ट, और गिफ्ट हर मैच स्कोर करता है 30+ ना एवरेजली, तो अगर आप चाहो तो पिक कर सकते हो गिफ्ट को नुसुको, और या फिर आप पिक कर सकते हो अपनी टीम में। डोनेक्स को तो ऑलराउंडर सेक्शन में होगा इस बार, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा है कि मुझे पिक किसको करना चाहिए। मुझे गिफ्ट लेता हूँ तो उसका स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो 70 का स्ट्राइक रेट है, तो कुछ खास तो नहीं है यार, बट ये बंदा का स्ट्राइक रेट 157 का, देखो ना जिस ठीक है ग्रोशम का, तो मैं ग्रोशम के साथ ही जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है फिर बैटिंग कोई नीचे नहीं है तो पिक करके चलो टीम में। आप गिफ्ट को भी अपनी टीम में जगह दे सकते हो, ठीक है। एन मुगा भी, ये भी एक अच्छा प्लेयर था नो डाउट, टीम दस से आजकल अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और ओपनिंग कर रहा है, तो आप कवर के चल सकते हो, सेकेंड अच्छा पिक हो सकता है, तो मैं भी पिक ही कर लेता हूँ। तो मैं दो बेटर पिक करूँ, टी से एक भी अच्छा टीम दस कोई ख़राब नहीं है, तो टी से एक पिक करो, अगर थर्ड का पिक करना पड़े तो टी से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल मैं दो पिक कर रहा हूँ, पर टी से एक को मेरा मन पर्सनली हाईली रिकमेंड करूँगा मैं, अगर आपको पिक करना डेफिनेटली पिक करो। उसके अलावा देखो राकी पटेल अच्छा प्लेयर मैं मानता हूँ नो डाउट, बट लास्ट में जो बॉलिंग क्यों नहीं किया मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक ना, यही मुझे नहीं समझ रहा। राकी पटेल के अच्छा प्लेयर टीम से अपनी टीम में डेफिनेटली जगह दीजिए, बहुत तगड़े प्लेयर है टीम से। एक ही मैच इतना पॉइंट दे दिया कि कुछ कहनी जरूरत ही नहीं, 80 रन मारा बंदे ने, तो मौका मिलता तो मार ही देता वो तो, हम लोग जानते ही है, बट इतना नीचे बैटिंग क्यों करती है फिर समझ नहीं आ रहा, ये कन्फ्यूज़न है यार। उसके अलावा टीम सैमने को बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, टीम पहले बॉलिंग करे तो उनको कैप्टन भी करके चल सकते हो। उसके अलावा टीम दस ये भी एक अच्छी प्लेयर टीम दस है, बॉलिंग कर रहा होगा तब फोना बैटिंग करता है बॉलिंग भी करता है, एस बुढ़िया टीम दस से पिक करते चलते क्योंकि टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी है और बॉलिंग भी डाल ही देते हैं। डोनेक्स को पिक कर सकते हो, लेकिन अभी ओपनिंग तो कर रहा है लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहा, दिक्कत ये है। उसके अलावा टीम से ओनेच जो कि टीम दस लास्ट ये भी शायद बॉलिंग नहीं किए थे क्या, एक विकेट ले गए थे, तो अच्छा ऑप्शन है नेटसोन को कवर कर चलेगा। उसके लिए ये भी अच्छी ऑप्शन है टीम दस से। समीश वेल जो कि टीम दस से बॉलिंग तो नहीं किया था लास्ट मैच, समीश वेल बॉलिंग कहाँ किया था, वरना बैटिंग तो करने आ रहा है लेकिन बॉलिंग नहीं किया था, तो समीश वेल को भी अब चाहो तो ड्रॉप कर सकते पिक कर सकते, मैं फिलहाल के लिए पिक करके चलता हूँ, ठीक ना। ये 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर पिक किया, वो 6 शायद इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मन नहीं करेगा सभी को पिक करना चाहिए, समीश वेल का ड्रॉप कर सकते चल सकते हो, क्योंकि बंदा बॉलिंग नहीं कर पाता, इससे पहले बॉलिंग करता था अच्छा प्लेयर टीम दस से, आप इनमें से इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, ये सब अच्छे प्लेयर्स है कभी भी फॉर्म में आ सकते। उसके अलावा इधर सब डी जैकल जो कि पावर प्ले बॉलिंग करता अच्छा है, लेकिन कुछ और नीचे देख लेता हूँ, नीचे वाले भी प्लेयर्स भी अच्छे रहते हैं, ठीक ना। लंगट अच्छा टीम दस से, हाँ जो विकेट लेके जा रहा है पीटर लंगट, एक दो विकेट तो आराम से लेके जाता है हर मैच में, लेकिन दो ही बॉलर सब पिक कर सकते हैं, दिक्कत यहाँ पर ये है। तो मैं समीर शोर को ड्रॉप कर दूँ क्या, मैं समीर शोर को ड्रॉप करूँ क्योंकि मुझे बॉलर चाहिए अपनी टीम में, तो मेरी टीम में विराज पटेल के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, 10 है बॉलिंग करते हैं विराज पटेल इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा टीम से लंगट अच्छे रहेंगे टीम से, पिक करके चलो हर मैच एक विकेट लेके जा रहा है। अब देखोगे तो अब आपको ऊपर डिपेंड करता है 11 पे आप कहाँ से ले जाओगे, ऑप्शन के तौर पे आप चाहो तो एक बैटर भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो जैसे कि टी से एक उसको ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक बॉलर ले सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो एक ऑलराउंडर भी आप ले सकते हो जिसका नाम है समीश वेल, जो टीम से वरना बैटिंग कर रहे और कभी कल बॉलिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बॉलिंग से पॉइंट चाहिए तो आप डेफिनेटली डी जैकल को ट्राई कर सकती है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है 11 पे किसको पिक करें, ये छोटा मोटा कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको लगता है कि पावर प्ले में विकेट गिरेंगे केन्या के तो अपनी टीम में टी से को ड्रॉप कर दो, आपको लगता है कि पावर प्ले में रन बनेंगे तो टी से को पिक कर लो, और आपको लगता है कि नहीं हमको बॉलर ही चाहिए तो अपनी टीम में डी जैकल के साथ जाओ। मैं डी जैकल के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब जो है ना, पहली बात तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हर मैच है, तो इसलिए मैं इनके साथ जाना भी परफेक्ट करूँगा। मेरी जो टीम जैसी है मुझे मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे इस टीम में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे तो एकदम बैलेंस टीम ही लग रहा है, एकदम परफेक्ट है। कैप्टन से वो टीम एकदम परफेक्ट है कहीं से, हाँ बस 11 पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट मैं मानता हूँ टीम बहुत परफेक्ट है, इतना याद रखना। डी जैकल कोई ख़राब बॉलर नहीं है, हमको सबको जानते हैं अच्छे बॉलर है। कैप्टन से बात करें तो देखो मैं पर से बोलूँ तो मैं पर से देखो
राकेश पटेल हर को जानता है क्वालिटी प्लेयर, बट लास्ट जो कुछ नहीं किया था और बैटिंग जब मिलेगा तो ही स्कोर करेगा, तो दिक्कत यहाँ पे ये है। तो मैं हालांकि इतना प्रिफेर नहीं करूँगा, मैं सैम नेगल चाहे कैप्टन जाना प्रिफेर तो ऐसा कर सकता हूँ कि बॉलिंग अटैक उनका जो बेस्ट है सबसे। तो अभी आफ्ताब को भी आप कर सकते हो, आफ्ताब भी एक अच्छा सी बी से आफ्ताब, पहली बात तो आफ्ताब सीधा भाई जो भी टीम से वो ना बैटिंग कर रहा है और प्लस चार ओवर बॉलिंग कर रहा है अभी देर तक, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है टीम से। मैं फिलहाल जो मुझे लगता है विराज पटेल अपना वाइस कैप्टन और कैप्टन सैम नेगल चाहे, अगर आप चाहो तो सी बी सी का रोटेशन भी कर सकते हो दोनों के बीच, रिवर्स गियर लगा सकते हो आप, रिवर्स कर सकते हो अगर आपको मन करे तो, दोनों को रिवर्स कर सकते हो सी बी सी या फिर राकेश पटेल कुछ लोग बोलेंगे, बट ये आपको क्या है ना कि उतना रन बनेंगे नहीं क्योंकि बैटिंग आएगी और अगर पहले बैटिंग कर और बॉलिंग उतने करते ही नहीं है, हालांकि करते हैं बॉलिंग मुझे भी पता है चार चार बारह बजे करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे तो इसलिए मैं इतना प्रिफर नहीं करूँ। बस पिक कर लो सिफर साइड के लिए, अगर विकेट अगर मान लो आपकी टीम ओपोनेंट के कैप्टन है तो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा टीम, अगर आप ड्रॉप कर दोगे मान लो आ गए एक ओवर बॉलिंग लेके तो उसमें दिक्कत कर सकता है, इसीलिए बस पिक करके चलाओ। सी बी सी में सैम नेगोचे के साथ ही जाऊँगा और विराज पटेल के साथ, ये दोनों एकदम सेफर है, दोनों देर तक बॉलिंग करते हैं और दोनों का बॉलिंग अटैक जबरदस्त है। अगर आपको करना तो आफ्ताब को भी कर सकते हो, आफ्ताब भी जबरदस्त सी बी सी के लिए, एस बुढ़िया टीम से बॉलिंग कभी काली करता उतना प्रिफर करूँगा नहीं मैं। सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो सेम टीम के साथ, टीम एकदम परफेक्ट है स्मॉल लीग के लिए, हालांकि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करके चलना अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक ना। सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो, आपका टॉस मिलता पॉइंट्स के लिए पे कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई भी छोटा छोटा डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर बता देना, जो उसे कमेंट करना ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जाके कॉन्टेस्ट को जाके बुक कर दो और मिलता है फ्रेंड्स से टेलियम पे, कोई डाउट होती चीज़ उसे कमेंट कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना चाहे सब्सक्राइब।